है इसका प्रमाण भी। इस बस्ती में लोगों के कुछ घर दिखे या घर जैसा कुछ, लेकिन चलो छत तो मिल ही गई है। ये घर इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए गए थे। दरवाजे नहीं हैं, उसकी जरूरत भी क्या है, दीवारें हैं, छत भी है, कुछ तो है। यहां भी लोगों की जिंदगी में कुछ खास अंतर नहीं देखने को मिला। सबका एक ही रोना है, न रोजगार न हाथों को काम, बस मुफलिसी की जिंदगी। साल में 100 दिन काम देने की गारंटी पर कोई वारंटी नहीं। अगले दिन हमारा पड़ाव बना कुड़वा, पर लोगों से पूछिए तो इसे दिलीप नगर गांव भी कहते हैं। यहां भी ताकत और दबंगई का कानून चलता है। यहां पर जब लोगों से मिला तो उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यहां पर तो दबंगों का संविधान चलता है, उनके तय किए हुए नियम बनते हैं यहाँ के कानून। हवा ऐसा कि लोग कैमरे के सामने बोलने से भी डर रहे थे। कईयों ने कहा कि आप लोग जल्दी यहाँ से चले जाइए, नहीं तो किसी को अगर पता चला तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जोर दिया तो गांव के मुखिया हमसे मिलने पर राजी हो गए। अपना ही बंगला फूंक करके और 436 कायम करवाया, अपने नौकर का घर फूंकवा करके और 436 का मुकदमा कायम करवाया। फर्जी मुकदमा में आए दिन मुझे भी फंसाता रहा है सीलिंग होल्डर। और से तोड़ा गया है कि इन्हें उठकर खड़े होने में कई साल और लग जाएंगे। आजादी के 6 दशक बाद भी वंचित समुदायों के अस्तित्व में खास सुधार नहीं हुआ है। कुछ राज्य सरकारों ने महादलित नाम से एक नए वर्ग का गठन भी किया ताकि मदद के लिए लोगों की पहचान की जा सके, लेकिन इस कसरत का कोई खास असर नहीं दिख रहा। अगर हम यह कहें कि सरकारों का यह कदम कागजी शेर बनकर रह गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। होना तो ये चाहिए था कि इनके उत्थान के लिए जो भी योजनाएं बनी वे कितनी कारगर हैं, इसकी लगातार जांच होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से इस समुदाय के लोग किस तरह से वंचित हैं। मनरेगा, यह योजना खास तौर से इस उद्देश्य से लागू की गई ताकि ग्रामीण इलाकों के जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन का काम मिले। इसमें अति वंचित समुदायों को पहली कतार में शामिल होना चाहिए था, लेकिन अफसोस उनकी कतार अंत तक नहीं बन पाई। मनरेगा का फायदा पाने की पहली शर्त यह है जॉब कार्ड होना, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 62% लोगों को जॉब कार्ड मिला ही नहीं, यानी कि आधी आबादी भी ऐसी नहीं जिसे 100 दिन का रोजगार मिला हो। ऐसे में किसी भी योजना के सफल होने की बात कैसे की जा सकती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस उद्देश्य से लागू की गई कि इससे गरीब परिवारों को सस्ता अनाज मिल सकेगा, लेकिन जमीनी हकीकत पर गौर करें तो पता चलता है कि इसका कोई खास फायदा उन्हें मिला ही नहीं जिसके लिए इन्हें शुरू किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे जी रहे करीब 3/4 लोगों को राशन कार्ड मिल ही नहीं सका। सरकारी तंत्र के कमाल से यहाँ गरीबी रेखा के नीचे जी रहे लोगों को, यानी जो BPL हैं, उन्हें APL यानी गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों वाले कार्ड से नवाजा गया है। यहाँ के आंकड़े बताते हैं कि 8 जिलों में करीब 56% BPL परिवार, एक स्वास्थ्य की बात करें तो 59% परिवारों को जननी सुरक्षा योजना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इस समुदाय का 15% हिस्सा प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई तक ही पहुंच पाया है। तकरीबन 71% लोग तो निरक्षर हैं। 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने का सौभाग्य मात्र 1% लोगों को मिला है। उच्च शिक्षा की बात फिलहाल छोड़ देते हैं। साफ पानी की उपलब्धता को जीवन स्तर का पैमाना बनाया जा सकता है। अगर हम इस समुदाय में स्वच्छ पेयजल की बात करें तो मात्र 8.5% परिवार ही ऐसे हैं जिनके पास निजी हैंडपंप है, जबकि 85% परिवार पीने के लिए सार्वजनिक हैंडपंपों पर निर्भर हैं। कुओं पर 5% से भी कम लोग निर्भर हैं। जहाँ तक रिसोर्सेज का सवाल है, रिसोर्सेज की हमारे पास कमी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन पूरे गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों को भी मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, और कुशीनगर इन पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूरे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से है। तो यहाँ के तंत्र को मोबिलाइज करना और लोगों को अवेयर करना, ये हम लोगों को
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डेफिनेटली हमको अभी इसमें बहुत जो है आगे कवरेज करना है। पर मेरा अपना मानना है डेवलपमेंट जो एक प्रोसेस है वो इवेंट नहीं है, तो ये प्रोसेस लगातार चालू है और हम लोग इसमें लगे हैं एंड आई एम श्योर कि हम लोग धीरे धीरे, मोटिवेशन हम लोगों का सही है, हम लोग ये जो गैप्स है उसको भी हम लोग पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर आप बीपीएल का आप आंकड़ा दे रहे हैं, अगर आप बाकी आंकड़ा देख रहे हैं, मनरेगा का ही आंकड़ा देख रहे हैं, तो लगभग 40-45% परिवार कुशीनगर में, महाराजगंज में ऐसे हैं जिनको मनरेगा का कोई लाभ नहीं हुआ है। सबके पास जॉब कार्ड है पर काम नहीं मिला है। 30-35% ऐसे परिवार हैं, राशन लेने या अध्ययन भी किया है, 30% ऐसे परिवार हैं जिनको इंदिरा आवास योजना में जो घर मिलने चाहिए नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से मुसर समुदाय नज़रअंदाज हो गए। स्कीमें बहुत बनी हैं और ये स्कीमें जब तक बनी अब तक अगर लागू हो गया होता तो सारी गरीबी दूर हो गई होती, लेकिन मेजर मसला है जो स्कीम लागू हुई उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस सरकार की तरफ से कुछ है या नहीं है हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल ले लो। आर्थिक शक्ति बनने की कोशिश में लगे देश में मुसहर समुदाय का समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाना हमारे सरोकारों पर सवालिया निशान लगाता है। देश की आबादी के एक हिस्से का यूं अपनी मौलिक जरूरतों से वंचित रहना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि यह कैसी आर्थिक समृद्धि और संपन्नता की चमक है जो एक तरफ तो करोड़पतियों की संख्या बढ़ा रही है पर साथ में मजबूरों की संख्या में कमी क्यों नहीं आ रही है। क्या इस देश की नीति बनाने वाले लोग भी कभी इस भयावह और स्याह सच को देख पाएंगे? जिन जंजीरों ने समाज के एक बड़े तबके को लाचार बना रखा है वे आखिर कब टूटेंगी? तो आपने देखा कि किस तरह यहाँ के लोग जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि ये वो हिंदुस्तान जो आजाद देश है उस मुल्क के रहने वाले लोग हैं? ना तो इन्हें सरकारी नीतियों का कोई पता है, ना ही शिक्षा का पता है, ना ही किसी तरह का रोजगार इनके लिए उपलब्ध है। सरकार की सारी योजनाएं कागजों पर चल तो रही है लेकिन एक भी इनके पास पहुंच नहीं पा रही है। इन लोगों की बदनसीबी को देखकर किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि तुझसे सिकवा नहीं कातिबे तकदीर, मगर रो पड़े तू भी अगर मेरा मुकद्दर देखे। तो आज के इस विशेष में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी ऐसे ही सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों के साथ जिसका सीधा सरोकार होगा आपसे। तब तक के लिए मेरे सहयोगी कैमरामैन विनोद कुमार और ऑडियो एग्जीक्यूटिव राकेश नायक के साथ कुशीनगर के इस गांव से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।